नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अभी एक हफ्ते पहले ही मैंने आप लोगों को नए पाम्बन ब्रिज के बारे में पूरी जानकारी दी थी, किस तरीके से ये भारत में बनाया जा रहा है और इस पाम्बन ब्रिज के बनने की प्रक्रिया में कौन कौन सी ऐसी जटिल चीज़ें हैं जिसका सामना करना पड़ा है RVNL को, जिनके सुपरविजन में ये काम चल रहा है। दोस्तों, अभी तक आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा। उस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये नया पाम्बन ब्रिज पुराने पाम्बन ब्रिज से अलग होने वाला है। इसके अंदर जो ब्रिज के बीच में से जो समुद्री जहाज है उनको निकालने के लिए जो जगह दी जाएगी, इस बार वर्टिकली लिफ्टेड एक पूरा स्पैन बनाया जा रहा है और यहाँ पर ये भारत का पहला वर्टिकली लिफ्टेड ब्रिज बन जाएगा। और वर्टिकली लिफ्टेड सी ब्रिजेस आप लोगों ने फॉरेन कंट्रीज में जिस तरीके के देखे होंगे वैसा ये होने वाला है। पहले हम लोगों ने जिस तरीके का ब्रिज देखा था, जो कि अभी पैरेलल में ही ओल्ड ब्रिज मौजूद है, उसके अंदर प्रॉब्लम्स थी, पुराना हो चुका था और उसमें जब जहाजों को निकाला जाता था ज्यादा स्पेस नहीं बचता था और उसका जो हिस्सा लिफ्ट होता था वो वर्टिकली लिफ्टेड नहीं था। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्टिकली लिफ्टेड जो स्पैन होने वाला है वो 72.5 मीटर का सबसे बड़ा स्पैन RVNL वहां तक ले जा चुका था। अब उसको इंस्टॉल करना था दो टावर्स के ऊपर जिनका निर्माण हो चुका था, दोनों एंड पर मंडपम और पाम्बन। तो यहाँ पर आप लोगों को जान के बहुत खुशी होगी, हाल ही में अभी RVNL ने जानकारी दी है कि उन्होंने ये स्पैन इंस्टॉल कर दिया है और आखिरकार सबसे क्रूशियल जो हिस्सा होने वाला था इस प्रोजेक्ट का वो अब हो चुका है। अब बहुत जल्द ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा और आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से RVNL ने खुशी जताई है। आसपास के बहुत से लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा खुश भी हुए हैं, केक भी काटा गया है। तो यहाँ पर आप लोगों को बता दूं, तमिलनाडु के पाम्बन या फिर रामेश्वरम द्वीप को सीधा मंडपम से जोड़ने वाला ये ब्रिज लगभग 2070 मीटर, लगभग 2 किलोमीटर का है, जिसके अंदर 100 स्पैन्स लग रहे हैं। 99 स्पैन्स की लेंथ 18.3 मीटर है और एक सिंगल स्पैन जो वर्टिकली लिफ्टेड होगा 72.5 मीटर का है। 17 मीटर तक इसको उठाया जा सकता है, इतनी ऊंचाई इस बार रखी गई है ताकि बड़े से बड़ा समुद्री जहाज यहां से निकल सके। और 76 स्पैन अभी लॉन्च हो चुके हैं, 23 स्पैन लॉन्च किए जा रहे हैं। जो ये 23 स्पैन बचे हैं ये पाम्बन द्वीप की साइट से लॉन्च हो रहे हैं, तो इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। बाकी 76 जो लॉन्च होने थे मंडपम की साइट से, उनका जो ट्रांसपोर्टेशन था वो इजी था, इसलिए जल्दी जल्दी उनको रख दिया गया। तो आई होप दोस्तों ये काम जल्द से जल्द पूरा हो और हमारे रिलीजियस प्लेसेस के तौर पर रामेश्वरम लोग जाते ही रहते हैं और वहां जाने के लिए भी रोड मौजूद है और जल्द ही अब ट्रेन का जो रास्ता पुराना हो चुका था अब नया रास्ता वो खुल जाए और यहाँ पर और भी ट्रेन एक्सटेंड हो, आगे चल करके इसको डबल भी किया जा सकता है, इतनी भी गुंजाइश इस ब्रिज में रखी गई है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोग देखिए किस तरीके से सेलिब्रेशन हुआ है। आज के लिए इतना ही, वंदे मातरम, भारत माता की जय।